हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कोड पे। कोड करें बिना डरे। दोस्तों आज मैं फिर से आ गए हूँ एक नए सर्टिफिकेट के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सर्टिफिकेट को। तो वीडियो के एट द एंड में आप लोग के पास भी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट रहेगी, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लेट्स कोड को, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार क्विजेस एंड ढेर सारा इंटर्नशिप का इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख भी सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो कोर्सेज का, इंटर्नशिप का, क्विजेस का बना दिया हूं, जिसके मदद से आप लोग ढेर सारा सर्टिफिकेट साथ में बहुत सारा नॉलेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो वेबसाइट से आप लोग को सर्टिफिकेट मिल रही है, आप लोग को देख सकते हैं, फ्रॉम टॉप स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट से आप लोग को सर्टिफिकेट मिल रही है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे ढेर सारा सर्टिफिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी, इसी तरह करके आप लोग को और भी बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग उसका सर्टिफिकेट नहीं कलेक्ट किए हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप लोग को ढेर सारे वीडियो मिल जाएगा, उसके मदद से आप लोग ये सारा सर्टिफिकेट को भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख भी सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के सर्टिफिकेट। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप लोग को नहीं मिलने वाली है, तो आप लोग को सिंपली लास्ट पेज में आ जाना है। लास्ट पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। मैं इसका लिंक डायरेक्टली आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को सी मोर वाले बटन पे यहाँ पे नीचे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं फिर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोर्स का प्राइस बिल्कुल ही फ्री है, अभी स्टेटस नॉट इनरोल्ड है। तो आप लोग को लॉग इन टू इनरोल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉग इन टू इनरोल पे क्लिक करते हैं फिर आप लोगों का पेज दूसरे पेज पे यहाँ पे रेफर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वेबसाइट पे नए हैं और अभी तक रजिस्टर नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा एंड देन लॉग इन कर लीजिएगा। मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर ले रहा हूँ, एंड फिर लॉग इन करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप लोगों को बताऊँगा कि क्या करना है आप लोगों को। तो लॉग इन वाले टैब पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग वही पेज पे यहाँ पे अभी आने वाले, तो देख सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे टेक दिस कोर्स का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग टेक दिस कोर्स वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड फिर से आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं अभी तो 0% कम्प्लीट है, एक ही स्टेप यहाँ पे पूरा करना है, जो कि आप लोग को असेसमेंट देना है। असेसमेंट बेसिकली यहाँ पे क्विज है, तो क्विज को पास करना पड़ेगा तभी आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का असेसमेंट पर मैंने क्लिक कर दिया, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्विज के बारे में है, टोटल 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा गया है, 20 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में आप लोग को एटलीस्ट करेक्ट आंसर देना पड़ेगा तभी आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। ये क्विज सबके लिए एप्लीकेबल है, तो कोई भी इस क्विज में अटेम्प्ट कर सकता है और सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकता है। जैसे ही मैं स्टार्ट क्विज करूँगा मेरा टाइमिंग भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग इसमें नहीं है, इसमें टाइमिंग नहीं है, बाकी का इस प्लेटफॉर्म पर टाइमिंग रहता है, लेकिन इस वाले क्विज पर टाइमिंग नहीं है। तो टाइमिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है स्वैप हो जाए, तो क्या कीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन का, उसके बाद ही आप लोग अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं स्टार्ट क्विज वाले बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा तो नहीं गया था टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग दे रहा है देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इस क्विज को स्टार्ट करता हूँ एंड आंसर बताता हूँ आप लोगों को। 1 GB ऑफ इंटरनल डाटा इज इक्वल टू, इसका बहुत ही करेक्ट मीन्स इजी सा क्वेश्चन था, 1024 MB होगा। आप लोगों को भी पता होगा 1 GB इक्वल टू 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों मीडियम होगा। फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों टोपोलॉजी होगा। फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, एंड नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों रिसोर्सेस होगा। फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, ATM स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ये वाला ऑप्शन है। फिर से आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता ही होगा मॉडम। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 byte ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ 8 bits होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का, द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल इज,
इसका करेक्ट ऑप्शन ओपन सिस्टम कनेक्शन होगा, इंटरकनेक्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर को एक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वायरलेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जस्ट ऑप्शन को अच्छे से वायर्ड मीडिया फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग से पूछा गया हब इज यूज्ड इन विच टोपोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों स्टार टोपोलॉजी होगा, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। द डेस आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों प्रोटोकॉल्स होगा, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। IPv4 एड्रेस इज ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों 32 होगा, फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। ए कंप्यूटर डैश इज ए मलेशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वायरस होगा, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म DNS स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम होगा, एंड फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड ए। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों गेटवे होगा, फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ OSI मॉडल LANS इम्प्लीमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑल सेवन लेयर्स होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। UDP इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों लेयर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रेसाइड्स इन विच OSI लेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पे डाटा लिंक होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों मैसेज होगा, फिर आप लोग को फिनिश क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग फिनिश क्विज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग का रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड फिर यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे जब हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप लोग का यहाँ पे स्कोर दिखने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का 90% आ चुका है, तो आप लोग को प्रिंट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रिंट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, फिर आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं वेरीफाई करके भी दिखाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों एट द एंड आप लोग को कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की तरफ से आप लोग को कंप्यूटर नेटवर्क के सर्टिफिकेट है। आप लोग देख सकते हैं डेट एंड टाइमिंग भी है, सर्टिफिकेशन की आईडी भी है, तो आप लोग आईडी को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईडी को कॉपी कर लिया, एंड फिर मैं वेरीफाइड करके आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह वेरीफाई करना है। तो आप लोग को इसके लिए होम पेज पे चले जाना है। होम पेज में जैसे ही जाते हैं आप लोग, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलने वाला है। एक यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई योर सर्टिफिकेट का एक टैब दिखेगा, उस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स पे आप लोग को वो आईडी को यहाँ पे पेस्ट आउट कर देना है, एंड सर्च वाले बटन पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आप लोग का यहाँ पे देख सक पाएंगे, आप लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो भी सर्टिफिकेशन का, एंड यहाँ से भी आप लोग सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप लोग इस सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सर्टिफिकेट के साथ, कुछ नए कोर्सेज के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।